तो गुरु हम लोगों का वैलेंटाइन वीक खाली जा ही रहा था कि मार्वल ने डेडपूल 3 का टीजर ट्रेलर रिलीज कर दिया और कई सारे रूमर्स के बाद इसके ऑफिशियल टाइटल को डेडपूल एंड वुल्वरीन पे फाइनलाइज किया गया। तो इस वीडियो में हम इसके टीजर का ब्रेकडाउन करेंगे और साथ ही जानेंगे इस पे अपेयर होने वाले कुछ रूमर कैरेक्टर्स के बारे में। टीजर की शुरुआत होती है डेडपूल के बर्थडे से, जहां वो वैनेसा और बाकी फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहा होता है। और अगर यहां पे ध्यान दे तो इस सीन में वो सारे कैरेक्टर्स है जिसे डेडपूल ने पिछली मूवी में बचाया था, क्योंकि वो सारे एक्स फोर्स की फॉर्मेशन के बाद मारे जाते हैं। फिर आगे टीजर में एंट्री होती है टीवी एजेंट्स की, और अगर इनके कॉस्ट्यूम्स पे गौर करें तो ये लोकी सीजन 2 के टीवी वालों से थोड़ा सा डिफरेंट है। फिर वेड विल्सन और टीवी एजेंट्स के बीच नोकझोंक के दौरान हम डेडपूल को फोर्थ वॉल ब्रेक करते हुए देखते हैं। फिर टीवी वाले वेड को इंटरोगेशन के लिए ले आते हैं, जहाँ पे हमें एक न्यू कैरेक्टर दिखता है। इसका नाम है पैराडॉक्स। यहाँ पे पैराडॉक्स के कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं मैथ्यू मैकफेडन, जिसे तुमने शायद सक्सेशन या प्राइड एंड प्रेजुडिस जैसे मूवीज में देखा होगा। आगे पैराडॉक्स डेडपूल को एमसीयू से इंट्रोड्यूस कराता है, जहाँ वो उसे कहता है कि वो उसे मौका दे रहा है एमसीयू का हीरो बनने का। और आगे स्क्रीन पर कुछ एमसीयू मूवीज के सीन्स को दिखाया जाता है, जिसमें सिविल वॉर, थॉर रैग्नारॉक के कुछ सीन्स चल रहे होते हैं। फिर आगे डेडपूल पैराडॉक्स से कहता है कि मार्वल के अच्छे दिन आ गए हैं, और इसके साथ ही वो आयरन मैन के डायलॉग को मिमिक करता है, जहाँ पे वो कहता है उसके बाद डेडपूल हमें सूट अप करते हुए दिखता है और फिर हमें फाइट सीक्वेंस दिखाया जाता है। अब चूंकि डेडपूल 3 के प्रोड्यूसर केविन चचा हैं, तो यहाँ पर पैसों की दिक्कत होगी नहीं, और अगर पैसों की दिक्कत नहीं है तो हमें एक्शन सीक्वेंस भी भर भर के देखने को मिलेंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि डेडपूल 2 में एक मेजर एक्शन सीक्वेंस को लो बजट के कारण कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया था, और इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि डेडपूल 3 में हमें मेजर एक्शन सीक्वेंस देखने को मिल सकते हैं। अब आगे के एक एक्शन सीन में हमें ये कैरेक्टर कहते हुए दिखता है। तो ये एक म्यूटेंट है जिसका नाम पायरो है, जिसके पावर्स फायर को मैनिपुलेट करने की पावर्स है। इसका अपीयरेंस एक्समैन के फर्स्ट मूवी में हमें चार्ल्स सेवियर के एक स्टूडेंट के रूप में देखने को मिला था। हालांकि एक्समैन द लास्ट 10 मूवी में आइसमैन वर्सेस पायरो के फाइट में आइसमैन ने इसे डिफीट कर दिया था। अब टीजर के एंडिंग फाइट सीन में जहां डेडपूल और वुल्वरीन का फाइट होता है, उस जगह को देख के लग रहा है कि शायद ये टीवीए का वॉइड हो सकता है, जहां पे हमें पीछे में फॉक्स का टूटा हुआ लोगो भी देखने को मिलता है। अब ये तो सिर्फ एक टीजर था, जब इसका ट्रेलर आएगा तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। वैसे ये फिल्म 26 जुलाई को रिलीज़ हो रहा है, जो कि अभी लगभग 5 महीने हैं, और उससे पहले 14 फरवरी को मैडम वेब आ रही है। तो तुम्हारा क्या प्लान है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।